बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर 12 कोऑर्डिनेटर। डेफिनेशन ऑफ फिगर बाउंडेड बाय फोर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर। वो फिगर जो फोर लाइंस के साथ बाउंड हो रही होती हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेटर। जो अंडरलाइन मैंने पेंसिल से की है यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड व्हाट इज इट। वो दो लाइंस कॉमन पॉइंट कहलाता है। वो लाइन सेगमेंट जैसे AD और AB है, ये इनको ज्वाइन करें तो ये एक पॉइंट पर ज्वाइन होंगे तो वो ए पॉइंट हो गया, वो वर्टेक्स कहलाता है। अब बहुत सारे सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ABCD, ये वर्टिसेस कहलाएंगे। वर्टेक्स प्लूरल जो होता है वर्टिसेस होता है। अच्छा, डायग्राम को जो है मैंने आपका वो लेबल कर दिया, आपको डायग्राम भी आप लेबल कर लीजिएगा, राइट। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं? पैरेलोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेज़ॉइड, ये आपके काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। पैरेलोग्राम नंबर वन है। अ क्वाड्रिलेटरल हूज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेलोग्राम। इट इज डिनोटेड बाय पैरेलोग्राम। अपोजिट साइड्स जो होती हैं इसमें पैरेलल होती हैं, जैसे AB हो गया और CD जो है एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ये पैरेलोग्राम कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं छोटे से दो लाइंस हैं, इसको एम बना हुआ, ये पैरेलोग्राम का सिंबल है। ऑल ऑफ यू 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 राइट डेफिनेशन ओनली, डोंट राइट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को नहीं उतारना है, सिर्फ डेफिनेशन को उतारिएगा। इस प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम आर कॉन्करेंट। इसमें अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। कॉन्करेंट मीन्स होता है इक्वल। AB एंड CD इक्वल है एंड AD इज इक्वल टू BC। अब सेकेंड पॉइंट है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम आर कॉन्करेंट। इसमें अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, एंगल ए और एंगल सी के, और एंगल बी और एंगल डी के इक्वल होते हैं। कॉन्करेंट मीन्स इक्वल। एंड इंटर कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए और प्लस एंगल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे एंगल को 180 के बराबर आएगा तो वो कंसेक्यूटिव एंगल कहलाते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। AO जो जो लाइंस डॉट डॉट से बनी हुई हैं ये बाइसेक्ट हो रही हैं डायग्राम के अंदर एक दूसरे से, तो AO OC बराबर हो जाएगा CO के और BO इज इक्वल टू DO के हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस, अ रोम्बस इज अ पैरेलोग्राम हूज एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्करेंट बट नन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। रोम्बस जो है वो पैरेलोग्राम कहलाता है। इसके एडजेसेंट साइड जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसका कोई एंगल जो होता है वो राइट एंगल नहीं होता है। द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AC इज परपेंडिकुलर टू BD। डायगनल्स डॉट डॉट से लाइन से जो है ये डायगनल्स कहलाते हैं, और इसमें जो परपेंडिकुलर बन रहा है सेंटर में वो AC है परपेंडिकुलर टू BD के। द डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। इसमें जो डायगनल्स इसमें भी एंगल टाइम बाइसेक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं? एंगल वन है, एंगल टू के, ये दूसरे के इक्वल होंगे। ऑल द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्करेंट। इसके चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ पैरेलोग्राम हूज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेलोग्राम हो सकता है हूज ऑल एंगल्स आर, इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। प्रॉपर्टीज देखें, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्करेंट। इसके ऑल सारे एंगल जो हैं वो एक बराबर होते हैं। ऑल एंगल ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल, उसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल प्लस इज इक्वल टू एंगल सी, इज इक्वल टू एंगल डी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है हूज एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्करेंट। इसके सारे एडजेसेंट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब ये और ये भी कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टीज है, ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्करेंट। इसके और चारों साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें अगर हम डायगनल ड्रॉ करें डॉट डॉट से तो AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा BD के, क्योंकि बीच सेंटर में देखें
मैंने इसे पेंसिल से भी शो किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो जाए जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड द बेसिस ऑफ ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी। ट्रेपेजॉइड में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज देखें, बेस एंगल ऑफ एन एस 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 ट्रेपेजॉइड आर कॉन्करेंट। अब इसमें बेस एंगल जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के बराबर होता है और एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर होता है। अपोजिट एंगल ऑफ एस 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 ट्रेपेजॉइड आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल जो होते हैं इसमें वो ट्रेपेजॉइड के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का जो भी एंगल आएगा वो 180 के बराबर होगा दोनों को ऐड करेंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इजिकल टू 180 डिग्री, राइट। एक्सरसाइज 12.2 ट्रू एंड फॉल्स है आपके। नंबर वन है द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड आर सप्लीमेंट्री, फॉल्स। ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह सबकी पढ़ लीजिएगा, सब प्रॉपर्टीज ही पूछी गई हैं इसमें। नंबर टू है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बैस एट ईच अदर ट्रू, और पैलोग्राम इज अ रेक्टेंगल, पैलोग्राम जो रेक्टेंगल है नो फॉल्स, और रोम्बस पैलोग्राम रोम्बस पैलोग्राम होता है जैसा होता है यस ट्रू, और रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो सकता है फॉल्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर कॉन्करेंट, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम जो होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं यस ट्रू, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स, द एडजेसेंट एंगल पैलोग्राम आर सप्लीमेंट्री, द बेस एंगल ऑफ एन एस 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 ट्रेपेजॉइड आर कॉन्करेंट, द अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम आर कॉन्करेंट। अपोजिट एंगल पैलोग्राम में जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजॉइड आर कॉल्ड इट्स बेसिस, वो बेसिस कहलाता है। ऑल द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्करेंट, सारे साइड जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। ऑल द फोर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्करेंट, रेक्टेंगल के ऑल साइड्स आर कॉन्करेंट। ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्करेंट, सारी साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं स्क्वायर की। ऑल डेफिनेशन एंड एक्सरसाइज 12.2 इन द राइट इन द ज्योमेट्रिक कॉपी, ओके।